हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी, पालक पनीर की नई रेसिपी के साथ आपके पास सामने आई हूँ। इसमें मैंने पालक का पेस्ट नहीं बनाना, इसमें मैंने पालक को बहुत छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है और इस पालक पनीर में लहसुन की मैंने एटलीस्ट 13 कुछ छोटी छोटी लोब्स डाली है और एक इंच मैंने अदरक लिया है, 2 छोटी लाल मिर्ची काटी हुई है और 1 प्याज। पनीर मैंने धो के रख लिया है। फ्रेंड्स, इसमें हमने लहसुन प्याज अदरक को बहुत अच्छे से भूनना है, उसके बाद उसमें पालक और पनीर ऐड करना है। पहले पालक, फिर एंड में पनीर। इससे लहसुन का टेस्ट मिला हुआ जो पालक बनता है, दैट इज अमेजिंग। उसका बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द स्टोव। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया। मैं इसके अंदर लहसुन में और अदरक मिला रही हूँ। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, लहसुन पूरी तरह से पक गया है। अब मैंने इसके अंदर ब्राउन करना है लहसुन। इसके अंदर मैंने प्याज मिला दिए। प्याज जैसे ही ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, मैं इसके अंदर लाल मिर्ची और सूखे मसाले मिलाऊंगी। मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1.5 चम्मच नमक। फ्रेंड्स, मेरा मसाला हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर जो पालक मैंने छोटा छोटा काटा है वो मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे से पालक को मैं मसाले के साथ मिक्स करके इसके पकने तक मैं वेट करूंगी। सी फ्रेंड्स, पालक पूरी तरह से पक चुका है। अब इस टाइम में मैं इसके अंदर 1 चम्मच बेसन मिलाऊंगी, जो कि इसको बाइंडिंग देगा। सी,
फ्रेंड्स पानी पूरी तरह से सूख चुका है, इसके अंदर मैंने जो पनीर धो के रखे हुए हैं मैं वो मिला दूंगी और धीमी आंच पे इसको ढक के पकने दूंगी। फ्रेंड्स इस स्टेज पे मैं बस इसको धीमी आंच पे ढक के पकने दूंगी। सो फ्रेंड्स मेरा पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। नाउ बहुत अच्छी सी इसमें लहसुन की फ्लेवर आ रही है, इट्स रेडी नाउ। सो फ्रेंड्स देखिए पालक का कितना अच्छा टेक्सचर आया है, पालक पनीर बनके तैयार है। ये जितना खाने में स्वाद है उतना ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। सो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यूट्रिशियस और हेल्दी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय।